हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी इंडियन पॉलिटी के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, आप देखिए कि कई जो ऑथेंटिक आईएएस एस्पिरेंट आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो बन चुके हैं, वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने PYQ का अच्छी से एनालिसिस किया। क्योंकि नो डाउट UPSC रिपीट नहीं करेगा क्वेश्चंस, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट होती है। आप देखिए, ये टॉपिक मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ऐसे टॉपिक है जिस पे हर साल UPSC क्वेश्चंस करता ही है। प्रीएम्बल 10 से 12 लाइन का एक पेज है, उसको आपने पढ़ लिया। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, तो सॉवरेन की मीनिंग क्या है, सेक्युलर की मीनिंग क्या है, इस पे UPSC क्वेश्चन करता है। इस साल 2021 के प्रीलिम में 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, हर साल क्वेश्चन करेगा। फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे और एक्सपेक्टेड MCQ भी देंगे, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। इस पे मोस्ट टाइम्स है, पिछले 5 सालों में 3 बार क्वेश्चन आया है इस पे। तो UPSC ऑलवेज रिपीट अ कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आने वाले प्रीलिम के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि हर संडे को ठीक सुबह 11 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अनअकैडमी कॉम्बैट होता है। अगर इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो UPSC एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। तो इस पे एक तो ये कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका एक तरीके का इवैल्यूएशन, एक तरीके का टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इनिशियल पोजीशन पाते हो तो आपको ऑसम गिफ्ट दी जाएगी, लाइक गिफ्ट कार्ड मिलेगा और बहुत से गिफ्ट वाउचर्स रहते हैं वो मिलेगा आपको। इसके अलावा विन फ्री प्रीलिम टेस्ट सीरीज आने वाले, जो कि 17 अप्रैल को ठीक सुबह 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट टॉप 1000 पोजीशन पा ली तो अनअकैडमी का आपको UPSC सिविल सर्विस लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें टोटल 28 टेस्ट होगी, आपके प्रीलिम के GS पेपर फर्स्ट का और CSAT भी कवर होगा, तो 2 महीने के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। इसके अलावा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं अनअकैडमी पे, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पर अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप जो टेस्ट होगा या कोई भी टेस्ट आप दोगे, तो आपको रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, उसका एनालिसिस मिलेगा, उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इट इज़ द वन ऑफ द ऑसम ग्रेट है। सो फ्री टेस्ट सीरीज इसी तरीके से हर मंडे को ठीक रात शाम में 8 बजे मृणाल पटेल सर लेके आते हैं 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब जैसे मृणाल सर को सभी लोग जानते हैं कि मृणाल सर एक बेस्ट एजुकेटर है इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड, तो इकोनॉमिक आपका स्ट्रांग होगा उनके लेक्चर को अटेंड करने से और उनके टेस्ट सीरीज को देने से, ठीक है। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट होता है प्रशांत धवन सर के ज़रिए, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, UPSC प्रिपरेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपका कंटिन्यूअस वो है आपका प्रॉपर गाइडेंस पहली चीज़, दूसरा है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो अनअकैडमी पर अगर आप किसी UPSC एग्ज़ाम जैसी UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग क्लास की सर्च में हो, तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन आपके सामने नहीं है। क्योंकि अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के टॉप एजुकेटर्स हैं, जो कि आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आपके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को आसान करते हैं। तो कम से कम 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 13 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, MIYT10। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स दैट पुट अ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट इन द फेवर ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू आ रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है दैट पुट अ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, तो ऑप्शन डी है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इस तरीके से ये वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या हमारा, कि इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, रूलिंग गवर्नमेंट जवाबदार है पार्लियामेंट को, उनके कानून जो भी बनाया, उनके एक्ट और एक्शन पर पॉलिसी बनाई, जो रूल्स बनाए वो पार्लियामेंट, और जितना खर्चा किया वो उस पार्लियामेंट को जवाब देना है, रूलिंग गवर्नमेंट को, है ना। तो
आर पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेन डिफरेंस ये है कि हमारी पार्लियामेंट इज लिमिटेड 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 है बाय द रूल ऑफ लॉ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए और रूल ऑफ लॉ के ज़रिए हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है लिमिटेड है। हमारी पार्लियामेंट उठे सुठे यानी कि हैविंग सुप्रीम, जो चाहे वो कर ले, ठीक है। जुडिशियरी सबसे ऊपर है हमारे इधर कि अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत कानून बनाया तो जुडिशियरी उसको जुडिशियल रिव्यू पावर के जरिए ख़त्म कर सकती है, ठीक है। दैट्स इन इंडिया द मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसका आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट इज लिमिटेड है जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, सेवरन है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहे वो कर ले, उनकी जुडिशियरी उनको जवाब देनी है वो। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। इसी तरीके से देखिए फंडामेंटल राइट पे हर साल क्वेश्चन रहता है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के फंडामेंटल राइट है, उतना पढ़ लो यार, हर एक आर्टिकल को समझ लो, आना है क्वेश्चन इस पर। अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्म द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, तो विच आर्टिकल, आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 28 तो और रिलीजन से रिलेटेड है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आर्टिकल 44 DPSP का हिस्सा है, तो दैट्स आर्टिकल 14 विल बी द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिसी पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट इट्स ए फेडरल कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर आया फेडरल पे, जैसे मैंने कहा था कि हर साल UPSC क्वेश्चंस करता है। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम मीन्स फेडरल के कई मीनिंग है लाइक ड्यूअल गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरल नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो USA के जैसा नहीं है बल्कि कैनेडियन सिस्टम जैसा है, ठीक है। तो फेडरल कैरेक्टर मतलब, यू कैन पॉज द वीडियो, आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सेफ गार्डेड। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन लेते हैं, अब ये तीन स्टेटमेंट में है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा ना कोई स्टेटमेंट को कि यार कितना हार्ड क्वेश्चन कर लिया, लेकिन आपको एक टिप्स दे दे चलूँ कि थर्ड स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द वन लोकसभा इलेक्शन, इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी व्यक्ति को तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने को रोका जा सके, ठीक है, ये पता नहीं आपको। सेकेंड स्टेटमेंट में भी आप श्योर नहीं हो कि देवीलाल ने तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था कि नहीं, खड़े हुए थे कि नहीं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ अ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन अ वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि अगर एक कैंडिडेट तीन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है तो रूल्स के हिसाब से उसका जो, अब जाहिर सी बात है किसी एक दो सीट को छोड़ना पड़ेगा, तीनों सीट अगर उसने जीत ली तो एक सीट पे ही रूल करेगा ना वो, तो बाकी के दो सीट का जो खर्चा रहेगा बाय इलेक्शन कराया जाएगा तो उसका जो खर्चा रहेगा वो पॉलिटिकल पार्टी बेयर करेगी, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग दिख रहा है ना। अगर आपने थर्ड को ही एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास बचा है ए, ऑप्शन ए और बी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि इस देयर इज़ लॉ इलेक्शन रिफॉर्म नाम की कोई चीज़ है ना कि अननेसेसरी एक कैंडिडेट कहीं तीन जगह से खड़ा हो रहा और तीनों जगह से जीत रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो सकता है वो, तीन जगह से नहीं, ठीक है। हाँ, एक पहले ऐसा नहीं था, इवन बहुत सारे लीडर ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट टू ओनली। ओके, सो इन दिस वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और आप जिस तरीके से डॉक्टर पेशेंट की नब्ज़ देख के उसको समझता है, तो इस तरीके से PYQ सॉल्व करके आप UPSC का माइंडसेट समझोगे। तो इस तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है या टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे, देखिए अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप फ्री कंटेंट से भी फ़ायदा उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। फ्री टेस्ट सीरीज है जैसे कि अनअकैडमी कॉम्बैट जो है, एब्सोल्युटली फ्री है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस।